हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फाइंड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए वेक्टर इक्वल आई माइनस 7 जे प्लस 7 के, बी वेक्टर इक्वल 3 आई माइनस 2 जे प्लस 2 के। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। पहले हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस निकालेंगे, इसके बाद उस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड देखेंगे। ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, दो तरीके ए क्रॉस बी को निकालने के लिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा और एन कैप साथ रखते हैं। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल सकते हैं, मगर एंगल हमें पता नहीं है, ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते। दूसरा फार्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ आई लिखना है, जे लिखना है, के लिखना है, यानी डायरेक्शन रेशियो पहले वेक्टर का ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। ए वन बी वन सी वन क्या होते हैं, पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज, और ए टू बी टू सी टू क्या होता है, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज। और स्टूडेंट्स पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, इसके बाद मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हियर पहले हम दो वेक्टर को सामने रखते हैं। ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, आई माइनस 7 जे प्लस 7 के। बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, 3 आई माइनस 2 जे प्लस 2 के। फर्स्टली वी फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसके लिए फार्मूला क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के, फिर यहाँ लिखना ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। ए वन का वैल्यू होते हैं ए वन बी वन सी वन, पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज, वन माइनस 7 7, वन माइनस 7 7। बी वेक्टर के 3 माइनस 2 2। स्टूडेंट्स पहले हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर होता है, उसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये आपने पढ़ा है डिटरमिनेंट में, सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो फर्स्ट, वही तो लिखते हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो फर्स्ट कॉमा वी गेट, क्या आएगा, आई से निकालो आई, फिर आप डिटरमिनेंट लिखते थे, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, माइनस 7 7 माइनस 2 2। इसके बाद आई के बाद जे से निकालना है, जे के लिए क्या होता है, ये प्लस का निशानी रखता है, ये माइनस का, ये आपने पढ़ा है डिटरमिनेंट में, कैंसिल क्या होगा, ये रो और दूसरा कॉलम 1 7 3 2। के का पोजीशन क्या है, पॉजिटिव है, इसके लिए क्या, पहला रो और तीसरा कॉलम 1 -7 3 2। अब स्टूडेंट्स ये सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, आई वापस रखते हैं, आई एंड माइनस 7 को 2 के साथ, इसको इसके साथ करना है, माइनस 2 को 7 के साथ, बीच में माइनस रखना है, माइनस 14, फिर बीच में पहले माइनस रखना है, 7 2 -14, माइनस माइनस क्या बनेगा, ऐसे रखना है, फिर माइनस जे 1 2 2, बीच में क्या रखना है, माइनस 7 3 21। इसके बाद के कैप 1 को 2 के साथ 1 2 2, माइनस माइनस 7 को 3 के साथ माइनस 21 इक्वल, ये ए क्रॉस बी यहां से निकाल रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकाल रहे हैं, यहाँ क्या आएगा, आई टाइम्स 14 माइनस माइनस प्लस 14 माइनस जे क्या आएगा, फिलहाल ऐसे वापस रखो 21 प्लस के टाइम्स 2 माइनस माइनस प्लस 21। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधे इजी है, 14 और 14 कितना होता है 28 आई माइनस जे, फिलहाल वापस 2 प्लस है 21 माइनस है सबट्रैक्ट माइनस 19 प्लस के टाइम्स
टू और 21 कितना होता है 23। अब ये हम सीधे लिखते हैं, पहले क्या आएगा 28 आई माइनस माइनस प्लस 19 जे प्लस 23 के आया ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो को अंडर रूट लगाना है। 28 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर, 28 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर। अब क्या आएगा, बस स्टूडेंट्स ये सॉल्व करना है, वो तो आपको आंसर आएगा। अंडर रूट ऑफ 28 सॉल्व करना है, 19 सॉल्व करना है, 23 को सॉल्व करना है, दो बार एंटर करना है, वही पर आंसर रखना है। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकालें परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। जब भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के पीछे से वेक्टर लिखा होगा तब आपको क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, करना है। अगर ये वेक्टर यहां नहीं होता, ऐसा होता फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तब आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। ये बोल रहे यूनिट वेक्टर निकालो, मगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए ये पीछे से वेक्टर दिखा रहा है, जब ये वेक्टर लिखेगा पीछे से तब ये एक वेक्टर फिर से बनेगा, वरना डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर नहीं निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट में स्केलर निकलेगा। ये बोल रहे हैं इन दोनों को क्रॉस करो तो वेक्टर निकलेगा, ताकि फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाले। पहले में ए प्लस बी निकाला है, हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, पहले मैं ए और बी को जमा करूं, ए और बी को माइनस करूं, फिर उन दोनों का यूनिट वेक्टर निकालना है। हियर ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 2j प्लस 2k, बी वेक्टर कितना है i प्लस 2j माइनस 2k। पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं। वेक्टर को जमा कैसे करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ ऐड करना है। 3 प्लस 1 आई प्लस 2 प्लस 2 जे प्लस 2 माइनस 2 के, प्लस माइनस माइनस बनेगा। 3 और 1 कितना होता है 4i, 4j 0k, 0k लिखने की जरूरत नहीं था। अब क्या निकालेंगे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या आएगा, 3 माइनस 1i 2i, 2 माइनस 2j प्लस 0j, 2 माइनस माइनस प्लस 4k। ये था a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ क्रॉस करना है, वहां से एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों को पहले ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ प्लस करना है, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ माइनस करना है, बाद में इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। अब आपको ये निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को क्रॉस करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, इसका वैल्यू क्या आएगा 4i प्लस 4j प्लस 0k क्रॉस, इसका क्या आएगा a माइनस बी का 2i प्लस 0j, फिर क्या आएगा प्लस 4k। अब स्टूडेंट्स हम क्रॉस कैसे करते हैं, सीधे डिटरमिनेंट के थ्रू, यहां डिटरमिनेंट बनाना है i j k वेक्टर
पहले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो लिखना है, इसके बाद दूसरे वेक्टर का 440 और क्या आएगा 204। अब सीधे आपको ये सॉल्व करना है, जो यहां से वेक्टर मिलेगा उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो फर्स्ट, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो फर्स्ट कॉमा वी गेट क्या आएगा आई टाइम्स ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा 4 4 16 माइनस 0 डेट 16। फिर इसके बाद जे होता है, अब पहला रो दूसरा कॉलम 4 4 16 2 0 0 डेट 16। इसके बाद प्लस के टाइम्स क्या आएगा पहला रो तीसरा कॉलम 4 0 0 माइनस 8 डेट इज माइनस 8। अब स्टूडेंट से सॉल्व करना है, क्या आएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब हम क्या करेंगे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, ये कौन सा वेक्टर है, ये है ये वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये मैं यहां सामने रख रहा हूं a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस b क्रॉस a माइनस b, या इस वेक्टर को c नाम रखो या सीधे लिखो यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकालना जरूरी है, यूनिट वेक्टर अगर आपको ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है वो हम एक कैसे डिनोट करते हैं, पहले लिखना है ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर से करना है। अगर आपको इस वेक्टर का निकालना है 16i माइनस 16j माइनस 8k यही वेक्टर लिखना है और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तब क्या आएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, क्या आएगा न्यूमिनेटर वापस रखना है, यूनिट वेक्टर हम निकाल रहे 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16, दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ, जब हम 16 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 6 1 6 और 3 हो गए 9 1 6 1 1 6 5 2 2 5 6 प्लस माइनस 16 दो बार मल्टीप्लाई करने से 2 5 6 8 को माइनस 8 को दो बार मल्टीप्लाई करने से 64। अब इनको जमा करते हैं 2 5 6 64 कितना आएगा ये 10 10 और 6 16 ये बन गया 5 5 10 17 2 2 4 5 5 7 6 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 7 6। पहले हम देखते हैं क्या 5 7 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तब इसके लिए आपको एलसीएम करना पड़ेगा 5 7 6 2 2 2 8 16 2 8 16 2 1 2 4 2 4। अब स्टूडेंट्स ये आएगा 2 × 12 24 का ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, अगर आप देखते भी हो क्योंकि यहाँ 144 मिला, 144 मुझे पता है किसका होता है 12 का और यहाँ से एक ही 2 मिलेगा जब हम अंडर रूट के अंदर ये रखते हैं, ऐसे अंडर रूट ऑफ 2 × 2 × 144 के बदले में सीधे 12 × 12 लिखूँ, जोड़ी करो इन दो 2 के बदले एक ही 2, 12 के बदले 12, ये दो 12 के बदले एक ही 12, जब हम रूट से बाहर निकालते हैं 2 × 12 24। अब स्टूडेंट्स 16i अलग अलग दे दो 24 माइनस 16j
डिवाइडेड बाय 24 माइनस 8 के डिवाइडेड बाय 24। स्टूडेंट्स यह यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में जो आई जे के का कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन हम एल एम एन से डिनोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई थ्री विद आई। एक यूनिट वेक्टर है, अगर ए यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, ए इज ए यूनिट वेक्टर, ए इज ए यूनिट वेक्टर, तब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू वन। इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई थ्री विद आई, मैं ए वेक्टर बना सकता हूं इक्वल टू क्या बनाते पहले पाई बाई थ्री आई। ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइनस कहलाते हैं। अगर आपको यूनिट वेक्टर बनाना है ए वेक्टर, तब आपको एल आई फिर क्या रखना होता है एम जे एन के। अब एल क्या होता है कॉस ऑफ अल्फा, एम क्या होता है कॉस ऑफ बीटा, एन क्या होता है कॉस ऑफ गामा। मगर ये बोलते हैं जो ये एल है विद पाई बाई थ्री एंगल बनाते हैं आई के साथ, तब आपको ए वेक्टर के बदले आएगा कॉस ऑफ पाई बाई थ्री आई। एम के बदले क्या आएगा कॉस ऑफ पाई बाई फोर जे। एन के बदले क्या एंगल बनाते हैं थीटा कॉस ऑफ थीटा के। स्टूडेंट्स ये समझो ये यूनिट वेक्टर है। इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल पाई बाई थ्री विद आई। यूनिट वेक्टर को जब आपको वेक्टर बनाना है तब यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइनस होते हैं। एल एम एन, एल क्या होता है कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा होता है एम, और एन क्या होता है कॉस ऑफ गामा। अब ये बोलता है ये आई का के साथ पाई बाई थ्री बनाता है, इसका मतलब एल का वैल्यू क्या आएगा कॉस ऑफ पाई बाई थ्री, एम का वैल्यू क्या आएगा कॉस ऑफ पाई बाई फोर, और गामा का वैल्यू एंगल बनाता है थीटा, तब आएगा कॉस ऑफ थीटा एन का वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। हमें पता है ये एल है, ये एम है, ये एन है। एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर वन के बराबर होते हैं, वी नो दैट। एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर किसके बराबर होते हैं वन के बराबर। अब एल क्या होता है आई यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, तब आएगा एल का वैल्यू कॉस पाई बाई थ्री, इसको स्क्वेयर देना है। एम का वैल्यू क्या आएगा कॉस ऑफ पाई बाई फोर स्क्वेयर, एन का वैल्यू क्या आएगा कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन, और स्क्वेयर भी यहां लिख सकते। अब स्टूडेंट्स कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू निकालना है, कॉस पाई बाई फोर का वैल्यू निकालना है, इसके लिए हमें टेबल में जाना पड़ेगा। यहाँ एंगल ए लिखना होता है जीरो डिग्री, पाई बाई सिक्स, पाई बाई फोर, पाई बाई थ्री, पाई बाई टू, ये आपने अलेवंथ में पढ़ा होगा। यहाँ से साइन ए होता है जीरो, वन बाई टू, वन बाई अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री बाई टू वन, कॉस ए वहाँ से लाना है वन, रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, वन बाई टू जीरो। अब स्टूडेंट्स कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू है वन अपॉन टू, तब आएगा वन अपॉन टू होल स्क्वेयर प्लस कॉस पाई बाई फोर, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू होल स्क्वेयर। यहाँ कॉस स्क्वेयर थीटा हम वापस रखते हैं इक्वल टू वन। अब यहाँ क्या आएगा अलग अलग स्क्वेयर देना है, वन का स्क्वेयर वन होता है डिवाइडेड बाई फोर,
वन रूट टू का स्क्वायर टू होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। पहले स्टूडेंट्स यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब क्या आएगा, क्या आएगा, टू वन ज़ा टू, फोर वन ज़ा फोर, डिवाइडेड बाई फोर टू ज़ा एट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, टू और फोर हो गए सिक्स अपॉन एट, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, टू थ्री ज़ा टू फोर ज़ा, अब थ्री बाई फोर को शिफ्ट करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस थ्री बाई फोर, शिफ्ट किया, अब कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, यह कितना आएगा, फोर वन ज़ा फोर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्योंकि बीच में माइनस है, दो रेशनल नंबर को अगर माइनस करना है तब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम मेथड, कॉस स्क्वायर थीटा फोर में से तीन निकालो वन अपॉन फोर, अब हम स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, यहाँ आएगा अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ थीटा इक्वल अंडर रूट ऑफ वन बाई फोर, प्लस माइनस भी साथ रखना है, अब कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस वन बाय रूट अलग अलग वन बाई रूट वन देट इज़ वन, रूट फोर देट इज़ टू, मगर स्टूडेंट्स ये बोलता है थीटा एक्यूट एंगल है, अगर थीटा एक्यूट एंगल होगा तब तो पहले क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, नेगेटिव रिजेक्ट करना पड़ेगा, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू वन बाई टू, अब कॉस को शिफ्ट करेंगे, यह हमें टेबल में देखना है वन बाई टू कहाँ पर है, ये भी टेबल यहाँ बना के था, जीरो वन बाई टू वन बाई अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री बाई टू वन, यहाँ से आना है जीरो पाई बाई सिक्स पाई बाई फोर पाई बाई थ्री का वैल्यू आएगा, कॉस ऑफ पाई बाई थ्री, अब कॉस का कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू पाई बाई थ्री, कॉस का कैंसिल, वहाँ थीटा का वैल्यू पाई अपॉन थ्री। इसके बाद क्वेश्चन बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, अब सीधे आपको क्या करना है, थीटा का वैल्यू वेक्टर में रखना है, इसमें अब ए वेक्टर बोलना है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर पहले हम बोलेंगे ए वेक्टर क्या आएगा, देयरफोर ए वेक्टर इक्वल कॉस पाई बाई थ्री आई दैट इज वन बाई टू आई कॉस पाई बाई थ्री आई कॉस ऑफ पाई बाई थ्री आई प्लस कॉस ऑफ पाई बाई फोर जे प्लस कॉस ऑफ थीटा के बदले कॉस ऑफ थीटा के बदले पाई बाई थ्री। अब हमें कॉस पाई बाई थ्री जीरो पाई बाई सिक्स पाई बाई फोर पाई बाई थ्री वन अपॉन टू आई कॉस ऑफ पाई बाई फोर जीरो पाई बाई सिक्स पाई बाई फोर वन बाई रूट टू, टेबल में देखना है कॉस पाई बाई थ्री वन बाई टू और यहाँ के साथ रखने के। अब कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कितना है, वन बाई टू आई वेक्टर का है, आई कंपोनेंट का है वन बाई रूट टू, जे का है और वन बाई टू के का है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, शो दैट, आपको शो करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर आए, हम सीधे क्रॉस करेंगे, हमें पता है स्टूडेंट्स ए वेक्टर डॉट, मैं वेक्टर डॉट की बात कर रहा हूँ, ए वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, अगर हम करेंगे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आपस में जीरो एंगल बनाएगा और क्रॉस में साइन जीरो आएगा, साइन जीरो जीरो के बराबर होता है, ये पूरा जीरो बनेगा। और हमें ये भी पता है डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये कम्यूटेटिव होता है, चाहे आप ए को बी के साथ डॉट करो या बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ डॉट करो, ये तो कम्यूटेटिव होता है, मगर क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कम्यूटेटिव नहीं होता है, अगर ये कम्यूटेटिव नहीं होता है ये नेगेटिव टर्म्स होते हैं, ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होते हैं नेगेटिव टर्म्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर,
या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये नेगेटिव टाइम्स होता है। अब स्टूडेंट्स यही तो हमें यहाँ करना है, पहले मैं ए को ए के साथ क्रॉस करूँ, ए क्रॉस ए, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर ए को बी के साथ प्लस ए वेक्टर, सॉरी स्टूडेंट्स